अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दुआ और उम्मीद यही कि जहाँ कहीं होंगे खुशबाश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके साथ बहुत खूबसूरत और बहुत सादा सा तारकशी ट्यूटोरियल शेयर करने जा रही हूँ। धागे मैंने इसमें से पहले निकाल लिए थे। सबसे पहले नीचे के जो एज है उसे कवर करूँगी। नलकी का थ्रेड, सिंगल थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। अब इसके साइड पे आ जाएं और साइड से कवर कर लें। इसकी बाइंडिंग जो है ऑलरेडी बहुत दफ़ा मैं शेयर कर चुकी हूँ। ये तकरीबन 3 साल के बच्चे की शर्ट है जिसके लिए मैंने फटी ली है तकरीबन 8 से 8.5 इंच। आप इसे अपनी मेजरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अगर यही डिज़ाइन आप बड़ी शर्ट पे बनाएंगे तो आप इसे 15 to 16 inches तक ले जा सकते हैं। इसकी साइड्स कवर करने के बाद हम आ जाएंगे सेंटर वाली 3 लाइंस की तरफ। यहाँ पे भी मैं नीचे के एज पहले कवर करूँगी। धागे निकालना जो है वो आपके अपने फैब्रिक पे डिपेंड करता है। समटाइम कॉटन हो या लॉन हो तो वो बहुत बारीक होती है, सो हमें धागे ज़्यादा निकालने पड़ते हैं। अगर वो थोड़ा मोटा फैब्रिक हो तो वो कम धागे निकालने से भी स्पेस बन जाती है ऊपर एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। बड़ी शर्ट्स पे बनाने के लिए डिज़ाइन डिफरेंट और थोड़े से बड़े होने चाहिए। बच्चों की शर्ट्स पे बनाने के लिए थोड़े बारीक और नफीस छोटे छोटे डिज़ाइंस जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसी तरह आप इसको ऊपर तक लेके जाएंगे और मैं इसकी सेकंड लाइन स्टार्ट करती हूँ। आपने जो पहले स्टिच उठा लिए हैं आपने उसी को फॉलो करना है और सेम वही स्टिचेस सेकेंड और थर्ड लाइन में उठाने हैं। अगर आपने डिफरेंट थ्रेड उठाए तो आपका ऊपर का जो डिज़ाइन है वो नहीं बन पाएगा। अब मैं थर्ड लाइन भी बनाऊंगी। पहले एज कवर करना है। इसके बाद साइड पे आ जाएं और पहली 2 लाइंस को फॉलो करते हुए थर्ड लाइन को कंप्लीट करेंगे। जब हमने फर्स्ट लाइन बनाई थी तो फर्स्ट लाइन में आपका ऑटोमेटिकली थ्रेड कपड़े के अंदर से आपको लेना पड़ता है और आपकी साइड बार जो है वो बन जाती है, जबकि फोर्थ लाइन में आपको साइड बार जो है वो खुद क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि दोनों साइड से सेम लुक दे। सो मैं सिर्फ छोटे छोटे स्टिचेस ही लूँगी साइड से। अब मेरी ऑलमोस्ट सारी बेस, सारा काम बाहर का ख़त्म हो चुका। अब इसके ऊपर फिलिंग करना बाकी है। डबल थ्रेड यूज़ करूँगी और फर्स्ट 3 जो सुराख हैं उनके गिर्द राउंड फॉर्म में आपने स्टिचेस लेने हैं। समटाइम 4 और 5 स्टिचेस से ये आपका प्रोमिनेंट हो जाएगा। फाइव स्टिचेस लिए हैं और मेरा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया है। मैं 5 जो सुराख हैं उनको उसकी स्पेस देके आगे ऊपर से 6 और 7 पे वर्क करूँगी। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। बहुत इजी डिज़ाइन है। असल में ये बेसिक हैंड एम्ब्रॉयडरी है तारकशी में जो इजीली बन सके।
यहाँ साइड पे भी मैं डबल स्टेन्स लूँगी, नलकी का थ्रेड है। आप वन बाय वन दोनों साइड से स्टिचेस उठाते जाएंगे। कोशिश करें कि करीब करीब स्टिच लें। आप चाहें तो इसे पेंसिल से एक लाइन ड्रा कर लें, उससे भी आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा। उम्मीद है बाकी बहुत सी ताकिशी वीडियोस की तरह आपको ये भी बहुत पसंद आएगी और बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। फी मानिला।